हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन वन हेल्प। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पेल्ट्रोन से जुड़ी अपडेट्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि वीडियो से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि पेल्ट्रोन में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, केवाईसी अभी फ़िलहाल लोगों ने स्टार्ट कर दिया है अपना, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने अपना केवाईसी अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो अपना केवाईसी कंप्लीट जल्दी से जल्दी करा लें, क्योंकि केवाईसी का जो लिंक है वो फुल्ली एक्टिव हो चुका है, अब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं। पहले बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, बहुत लोगों का डाटा मिसमैच था, जैसे कि एज, नेम और उनका फुल डिटेल्स में एड्रेस वगैरह जितने भी थे वो मिसमैच हो रहे थे, जिसके कारण उनका केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों, आप अपना आप केवाईसी जल्दी से कंप्लीट कर लें। और दोस्तों, एक बात और, जिन लोगों का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था उनके लिए भी कुछ खबरी है। राहुल कुमार सिंह जो पेल्ट्रोन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जितने भी कैंडिडेट्स सफल नहीं हुए एग्ज़ाम में उनको फिर से मौका मिलेगा, हर बार की भांति इस बार भी मिलेगा मौका। तो दोस्तों, आपका री एग्ज़ाम, री टाइपिंग और री रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके लिए आपको जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपका री रजिस्ट्रेशन, री एग्ज़ाम और री टाइपिंग होगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। तो दोस्तों, आप फिर से तैयारियों के बीच एक्टिव हो जाए और अपना तैयारी कंप्लीट करें, और जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, डाटा एंट्री स्टेनोग्राफर का, तो वो उन लोगों का भी एग्ज़ाम डेट जल्द से जल्द आने वाला है। तो दोस्तों, आप अभी इंतज़ार करना छोड़ तैयारी में लग जाइए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हमें कमेंट कर जरूर बताइए।